मेरा नाम जेब और आपने देख रहे हैं साइमन रियलिटी फैक्ट्स। उम्मीद आप सब लोग खैरियत होंगे। आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक में वीडियो लेकर आया हूँ, उसामा बिन लादेन के लाइफ के बारे में। वो कहाँ पैदा हुए और उनके साथ जो है क्या क्या मामला हुए और क्या क्या सरगर्मियों में वो शामिल थे। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। उसामा बिन लादेन 23 मार्च 1957 को सऊदी अरब में पैदा हुए। उनका पूरा नाम उसामा बिन मोहम्मद बिन गौस बिन लादेन था। उनके वालिद का नाम मोहम्मद बिन गौस बिन लादेन था, जो सऊदी अरब के एक अमीर थे। उनकी तालीम मक्का और जद्दा में हुई, जहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ाई। उसामा बिन लादेन की ज़िंदगी का एक अहम मरहला 1979 में रूसों के अफगानिस्तान में हमला आवरी के वक्त का आया, जब उन्होंने इस्लामी जहाद का हिमायत किया। उन्होंने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के साथ मिलकर सोशलिस्ट रूसों के मुखालिफ जहाद में शिरकत की और उनके मखसूस कुदरती मवायद तबियाती जहानत और कायदियत ने इन्हें मारूफी हासिल करवाई और उनको काफ़ी मशहूर भी करवाया। उनकी क्यादत में मुजाहिदीन को सिलाइज आर्मस और माली मदद मिली, जिसने इन्हें अफगान फौज के खिलाफ कामयाबी हासिल करने में मदद फराहम की। उसामा बिन लादेन ने सोशलिस्ट रूसों के खिलाफ जहाद किया, जहाद की फतह के बाद अफगानिस्तान से वापसी कर ली और 1988 में सऊदी अरब वापस आ गए। उनकी ज़िंदगी का एक और अहम मरहला 1990 में आया, जब अमरीकी फौज के खिलाफ वर्जी की गई और उन्होंने अमरीकी फौज के खिलाफ मुकाबला किया। उन्होंने अमरीकी फौज के हदूर मौजूदगी को बुनियादी तौर पर रद्द किया और जहाद के फर्ज को अदा करने के लिए उम्मत को बुलाने की कोशिश की। एक मालूमाती दाखिले के मुताबिक उसामा बिन लादेन की मौत 2 मई 2011 को अमरीकी स्पेशल यूएसएस फोर्सेज के ऑपरेशन ने पाकिस्तान के एक शहर एटाबाद में कर दी। इनकी डेड बॉडी जो है कार्ल वेंसन के साथ भेजाया गया और बहरी जहाज से दुबई की जानिब सफर किया गया। उसामा बिन लादेन का जहाद पर एक अजीक अकीदा था, जिसने इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। इनका जहादी तासर इनकी इस्लामी फिक्रियात और अकाय से बहुत गहरा जुड़ा हुआ था। इनके लिए जहाद का मतलब एक अजीम इस्लामी फ़र्ज था, जो मोमिनों के लिए फ़र्ज कफाना था। इनके नज़रियात में जहाद के मकसद इस्लामी माशरत की हिफाजत और इस्लामी इकतदार की फरियाद करना था। वो इंतहा पसंदी के नाम पर इस्लामी अकायद और इकतदार की पासदारी को अपनी अजीम मसूलियात समझते थे। उसामा बिन लादेन का जहाद तासर इनके मुकदस मकासद के खातिर हमेशा सरगर्म रहता था। इनके नज़र में दुनिया की बराबरी और अदल के लिए इस्लामी कीमतों और असूलों के फरियाद करना इनका फ़र्ज था। इनकी अकीदत थी कि जहाद के जरिए मुसलमानों के मजहबी इज्तमाही और सियासी हकूक की हिफाजत की जा सके, और इनके नज़र में यही एक मजबूत और काबिल तवज्जो तरीका था। अलकायदा को वैसे आप जानते होंगे, जैसा कि अलकायदा एक जहादी तंजीम थी जिसकी बुनियाद उसामा बिन लादेन ने 1988 में अफगानिस्तान में तश्कील दी। इस तंजीम का असल मकसद अमरीकी फौज की अफगानिस्तान में दखल के बाद अमरीकी जंगजू के खिलाफ जहाद करना था। सिपा अलकायदा के अहदाफ में अमरीका और इसके इतिहादी के खिलाफ जहाद, इस्लामी अकायद की हिफाजत और इस्लामी फिकों के इतिहाद और इनफसाली अमूर की हिमायत शामिल थी। इसके अलावा इसका मकसद अफगानिस्तान और दीगर मुसलमान ममालिक में इस्लामी निज़ाम की बुनियादों की तश्कील भी था। अलकायदा ने अद्वितीय दहशतगर्द हमलों, दहशतगर्दी की तरबियत और मुख्तलिफ मुल्कों में अपने इंफिसाली कार्रवाइयों के जरिए अपनी हुकूमतों को लरजाते रहते इसके नागानामे दुनिया भर में अमन अमान के खिलाफ थे, और इसने बैन अवी सतह पर मुख्तलिफ कश्मीरी, हिंदुस्तानी, अफवानी और दीगर मुसलमानों के खिलाफ जहादी फिरकों की हिमायत भी की। उसामा बिन लादेन और 9/11 हमला दुनिया भर में इंसानी तारीख की एक बहुत बड़ी घटनाक वाक़ है, जिसने दुनिया को मुख्तलिफ 9/11 हवालों से तब्दील कर दिया। इस हमले की मंसूबाबंदी और अंजाम देने वालों में उसामा बिन लादेन और इसकी तंजीम अलकायदा का नाम अहम है। सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन शहरों में 2 तैयारों को बिन लादेन के 11 जहादी फौजों ने धमाके से उड़ा दिया। एक तैयारा जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाकर लगा और दूसरा जो है पेंटागन को हदफ किया गया। इस हमले में तकरीबन 3,000 अफराद की जाने गई, जिसने दुनिया भर में शदीद कमावट मचा दी। उसामा बिन लादेन ने अपनी तंजीम अलकायदा के नाम भर्तियों को अमेरिका के खिलाफ इस हमले का जिम्मेदार करार दिया और इसका दिफा किया कि ये अमेरिका के खिलाफ खिलाफ मुखालिफत की सजा है। इनकी मुकर्रा ऑडियो और वीडियो पैगाम में इन्होंने अमरीका की पॉलिसी और अमरीका भर्तियों के अखराजात की मजामत भी की, जिसकी वजह से मुसलमानों को नुकसान पहुँचा। हमले के बाद अमेरिका ने अलकायदा और उसामा बिन लादेन के खिलाफ मुआमला शुरू किया, जिसने दुनिया भर में 9/11 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को शामिल किया और जंग बैरियर की शक्ल अख्तियार की। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को 2011 में पाकिस्तान के इस शहर एटाबाद में एक इंतहाई खुफिया हमले के जरिए गिरफ्तार किया और उन्हें मार गिराया। उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एटाबाद शहर में एक खुफिया हमले के जरिए हुई। अमरीका नेवल फोर्सेज के जो सील थे उन्होंने बेसिकली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उसामा बिन लादेन कई गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने इन्हें कैद खाने में रखा और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इनका इन्हें मखसूस अहदाफ के लिए इस्तेमाल किया गया और इनके बारे में मुख्तलिफ वीडियो और तफसीलात सामने आई कि 2 मई को उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान महकमा मालूमात के ऐलान के मुताबिक
अमेरिका 2011 सरगर्मियों के बाद इन्हें एक खुफिया अमली के जरिए गिरफ्तार किया गया, जिसके दौरान उन्होंने कौमी माफिर और अफगानिस्तान के खिलाफ अमरीकी हमलों की तंजीम करने का इल्जाम सुना। इनकी मौत के बाद अलकायदा और इस्लामी जहाद तंजीमों का किरदार और इनके हमलों में कई कमी आई, लेकिन इनकी वजह से दुनिया भर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई भी शदीद हो गई। उसामा बिन लादेन का नाम दुनिया की तारीख में एक बड़ा मनफी नाम बन गया, जिसके असरात अब तक महसूस हो रहे हैं। उम्मीद है उसामा बिन लादेन की जो डॉक्यूमेंट्री मैंने आज की वीडियो में आपको बयान की है, आपको काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी। उसामा बिन लादेन की पूरी हिस्ट्री, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी मौत तक की जो भी उनके उनके मामला थे, जो उन्होंने किए अच्छे और बुरे काम। उम्मीद है आज की वीडियो यूज़फुल लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा।